विज्ञान का युग है। विज्ञान ने अनेक उपयोगी आविष्कार किए हैं, इनमें से मोबाइल एक चमत्कारी देन है। इसका प्रसार निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। इस समय देश में करोड़ों लोग मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे हैं। इसका सुखद और दुखद दोनों पहलू है। सबसे सुखद पहलू तो ये है कि ये हमें हर समय बाकी लोगों से निरंतर जोड़े रखता है। हम कहीं भी हो, कोई भी समय हो, हमें ये विश्वास रहता है कि शेष संसार के साथ हमारा संपर्क निरंतर बना रहेगा। ये एक छोटा सा उपकरण है जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका रख रखाव भी अत्यंत आसान है। इसका संचालन इतना सुविधाजनक है कि अनपढ़ लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल छोटे कामगारों के लिए तो वरदान साबित हो रहा है। आप उन्हें कहीं भी कभी भी पकड़ सकते हैं। अब उन्हें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं रह गई। मोबाइल के कारण उन्हें काम मिलना सरल हो गया है तथा उनका धंधा भी बढ़ गया है। राजमिस्त्री, प्लम्बर, बड़े मजदूर, पेंटर आदि के लिए मोबाइल वरदान बन गया है। अब उन्हें घर बैठे ही काम मिल जाता है। ऑफिस में काम करने वालों की काफी काम मोबाइल पर ही निपट जाता है। यही हाल व्यापारियों का है। उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मोबाइल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। करोड़ों रुपए का व्यापार मोबाइल पर ही हो जाता है। मोबाइल का एक अन्य सुखद पहलू यह है कि इसमें फोनों का रिकॉर्ड रहता है। इसकी मदद से अपराधियों को पकड़ने में बड़ी सहायता मिल रही है। फोन पर रिकॉर्ड हुई बातचीत को सबूत के तौर पर न्यायालय में पेश किया जा सकता है। मोबाइल फोन की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। अब तो इस मोबाइल फोन से कैमरे का काम भी ले सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं तथा महत्वपूर्ण बातें एवं घटनाओं को संरक्षित भी कर सकते हैं। कलर मोबाइल भी बाजार में उपलब्ध है। मोबाइल फोन पर बात करने वालों का फोटो भी आ जाता है और उसे सामने बैठे देख सकते हैं। मोबाइल फोन बहुत छोटा सा यंत्र भले ही है, पर इसमें अनेक गुण भरे हैं। यह फोन लाने ले जाने में अत्यंत सुविधाजनक है। मोबाइल फोन साथ होने पर हमें घर परिवार के साथ जुड़ाव का एहसास होता रहता है। अब प्रश्न उठता है इसके दुखद रूप का। हर अच्छी चीज का कुछ बुरा रूप भी होता है। मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग कानों को खराब करता है। अब मोबाइल आवश्यकता के साथ साथ फैशन भी बनता जा रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी इसे फैशन के तौर पर प्रयोग करती है। उसकी उंगलियां मोबाइल के बटनों पे चलती ही रहती हैं। वे इस पर गाने सुनते हैं। इससे वे पूरी दिशा के साथ अपना काम नहीं कर पाते। मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग खर्च भी बढ़ा रहा है।